हाय, आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट और मैं हूँ तुषाबा। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का केस काफी सनसनी में है। आइए हम आपको बताते हैं शुरू से कि हुआ क्या। तनुश्री दत्ता ने जूम के एक इंटरव्यू में 10 साल बाद पहली बार ये मुद्दा वापस उठाया था और कहा था कि उनकी फिल्म हॉर्न ओके प्लीज जो नाना पाटेकर के साथ थी, उस दौरान नाना पाटेकर ने उनको बहुत सताया और सेक्सुअली हैरेस किया है। इसी वजह से तनुश्री ने वो फिल्म का एक गाना करने से भी इनकार कर दिया और बीच सेट से अपने वैनिटी रूम में चली गई। आगे तनुश्री दत्ता बताती है कि नाना पाटेकर ने उनको वो गाने में एक स्टेप के जरिए इंटीमेट होना चाहा और जब वो मना करके वैनिटी रूम में चली गई, तब नाना पाटेकर ने मन से के गुंडे भेजे जो काफी देर से तनुश्री की वैनिटी के बाहर खड़े थे और दरवाजा खटखटा रहे थे। तनुश्री ने डर के अपने माता पिता को फोन किया और वो आए तनुश्री को ले जाने। तनुश्री के गाड़ी में भी बैठने के बाद भी वो गुंडे उनकी गाड़ी घेर लिए और तोड़फोड़ किए। ये मुद्दे को लेके एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई गुंडे नहीं पर एक कैमरामैन और एक दूसरा आदमी उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहा है और बाकी जनता उन दोनों को हटा रही है। फिर कुछ देर में पुलिस आके उन दोनों को ले जाती है। नाना पाटेकर ये सब को लेकर ये कहते हैं कि सच सच रहेगा और बदलेगा नहीं, और उन्हें नहीं पता तनुश्री ऐसी बात क्यों बता रही है और उन्हें नहीं पता तनुश्री ऐसा क्यों कह रही है। नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को एक लीगल नोटिस भी भेजा है कि अगर वो इस अफवाह को फैलाने की माफी मांगती है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पर तनुश्री ने उससे ठुकराया और अब लीगल कार्रवाई होगी। ये हम सब जानना चाहते हैं कि सच है क्या और कोर्ट क्या फैसला लेता है, पर आपको सबसे पहले पता चलेगा हमारे पास फंडू कंटेंट पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।